हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल श्री खेतेश्वर एंड चाइल्ड केयर अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन फॉर क्लास 12th लिटरेचर स्टूडेंट्स। तो आई होप एवरीबडी इज़ रेडी। तो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर बुक विच इज़ प्रूडेंस ऑफ क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट बुक इट इज़। In this, we are going to start our very first chapter, as you all know, which is the chapter number 1, section short stories, chapter number 1, tomorrow. Okay, before proceeding towards short stories tomorrow, we shall discuss something related to author, that is Joseph Conrad. Joseph Conrad, a Polish British writer का मतलब हुआ क्या है बताओ? जो बाईकास्ट पॉलिश भी हो और ब्रिटिश भी हो उसे हम लोग कहते हैं पॉलिश ब्रिटिश राइटर। इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ये एक बहुत ही क्या है, क्या जाने जाते हैं बताओ? इंग्लिश राइटिंग के अंदर इनका जो राइटिंग सेक्शन है वो बहुत बढ़िया है और इनको काफ़ी अच्छा माना गया है। इनकी जो लेखनी है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है। इनके बारे में बताया गया कि बहुत अच्छे राइटर है, नॉवलिस्ट है। नॉवलिस्ट हैं वो व्यक्ति होता है नॉवलिस्ट जो उपन्यास लिखता है, जिसे हम लोग उपन्यासकार कहते हैं वो नॉवलिस्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ही जॉइंड द ब्रिटिश मर्चेंट मरीन इन 1878 एंड वॉज ग्रांटेड ब्रिटिश नेशनलिटी इन 1886, ठीक है। अब क्या है कि ये व्यक्ति जो था इसने क्या किया था, इस व्यक्ति ने ब्रिटिश मर्चेंट मरीन, मर्चेंट मरीन का मतलब हुआ कि जो मर्चेंट आर्मी होती है, जो नेवी की जो होती है, जैसे हमारे यहाँ पर नेवी सेक्शन है ना, उस तरीके से मर्चेंट नेवी का भी एक सेक्शन होता है, उसको ज्वाइन किया था इन्होंने। किन्होंने? हाँ, जोसेफ कॉन्रेड ने। जोसेफ कॉन्रेड ने उसको ज्वाइन किया था और उसको ज्वाइन करने की वजह से इन्हें 1878 में तो इन्होंने किया था और ब्रिटिश की थी, तो इनको 1886 में वहाँ की क्या दे दी गई, नेशनलिटी दे गई। बोला कि आप ब्रिटिशर बन सकते हो, ब्रिटिश मतलब रह सकते हो ब्रिटिशर, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के अंदर। ही रोट मैनी स्टोरीज नॉवेल्स विथ नॉटिकल सेटिंग, बहुत ही नॉटिकल सेटिंग के साथ इन्होंने, नॉटिकल सेटिंग के साथ इन्होंने क्या किया, बहुत सारी स्टोरीज़ वगैरह जो है ये लिखी। नॉटिकल का मतलब हो गया जो एक प्रॉपर मार्जिन्स के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ, ठीक है। हिज फेमस वर्क इंक्लूड लॉर्ड जिम, इनकी जो फेमस वर्क्स है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, उनमें से हैं लॉर्ड जिम, नोस्ट्रोमो, हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड द निगर ऑफ नार्सिसस। ही वॉज रिगार्डेड एज अ मेजर इनोवेटर एंड लिटरेरी मॉडर्निस्ट, इनको मेजर इनोवेटर, इनोवेटर का मतलब होता है जो इन्वेंट करता है नई चीज़ों को, वो, और लिटरेरी मॉडर्निस्ट को कहा गया। कॉन्रेड्स वर्क इन्फ्लुएंस्ड न्यूमरस लेटर 20th सेंचुरी राइटर्स। कॉन्रेड के जो वर्क है ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, जो लेटर 20th सेंचुरी के राइटर्स थे, जो बाद के आने वाले 20th सेंचुरी के राइटर्स थे उनको। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन टू डजन्स ऑफ लैंग्वेज एंड आर टॉट इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। इनकी जो बुक्स है किसकी, जोसेफ कॉन्रेड की, ये जो बुक है बहुत सारे लैंग्वेजेस में, डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस में लिखी गई है, डजन यानी विभिन्न भाषाओं के अंदर, डजन ऑफ लैंग्वेजेस में लिखी गई है और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वर्क ऑफ हिम, अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ जोसेफ कॉन्रेड, रिटन बाय जोसेफ कॉन्रेड, एंड सी कि व्हाट द स्टोरी इज गोइंग टू सेट अप फॉर टुमारो। Tomorrow was actually written in 1902. In this story, retired skipper, एक skipper Hagbard जो है वो थे जो Colchester से Colebrook अपने बेटे के जो तलाश में आ गए थे, जिसका नाम Harry था,
ठीक है, वो जो समुद्र यात्रा पे चला गया, उसको तो वो ढूंढ नहीं पाए, मिल नहीं पाए, तो हैगबर्ड क्या किया, वहीं पर सेटल हो गए। कहाँ पर? कुलब्रुक के अंदर ही, वहाँ पर वो सेटअप हो गए। ही इज़ अ ड्यूप ऑफ टुमारो एज ही एंडलेसली होप्स फॉर द सन्स रिटर्न एवरी डे। हर रोज़ वो क्या करते थे, सोचते रहते थे कि भाई कल मेरा बच्चा जो है वो आ जाएगा, टुमारो, उस होप के अंदर, उम्मीद के अंदर वो वहीं पर बस गए। बेसी नाम की एक लड़की थी जो नेक्स्ट डोर नेबर थी इनकी, उसके साथ वो सारी बातों को, अपने जो होप हैं और जो चिंताएं हैं उसको शेयर करते थे, हर एक चीज़ को, ठीक है ना। और जिसको उसको ये भी देखते थे कि जो बेसी है इतनी सुंदर लड़की, जो क्या है वो मेरे बच्चे की वाइफ बन सकती है, उसको अपनी बहू के रूप में भी देखते थे कि मेरे बेटे की पत्नी बन जाएगी। लेकिन हैरी रिटर्न नहीं होता, आता नहीं है। बट ही ऑल्सो रिकाउंट्स, वो भी रिकाउंट करता है कि हाउ हिज फादर मिस ट्रीटेड हिम एज अ चाइल्ड एंड रिवील्स दैट ही हैज़ कम टू हिज फादर टू बोरो सम मनी। वो अपने पिता के पास कुछ पैसा लेने के लिए आता है, बोरो करने के लिए, ऐसा रिवील करता है। और ये भी बताता है कि किस तरीके से उसके पिताजी जो है उसको मिस ट्रीट करते थे बचपन के अंदर, इस वजह से। बेसी टेल्स हैरी अबाउट हाउ हिज फादर हैज़ कैप्ट हीज होप्स विद द मिथ ऑफ टुमारो। बेसी बताती है हैरी को कि किस तरीके से तुम्हारे पिताजी जो है एक मिथ लगाए बैठे हुए हैं कि हाँ कल 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 उनका बच्चा आ जाएगा, कल उनका बच्चा आ जाएगा, एक सोच ऐसी उनकी है। तो दिस इज़ अ स्टोरी डेल्यूटेड होप्स एंड ड्रामेटिक आयरनी। ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर क्या है, होप्स, उम्मीद, ठीक है ना, उम्मीद को दर्शाती हुई ड्रामेटिक कहानी है। देर आर टू प्रिंसिपल आयरनीज, इसके अंदर दो व्यंग्य हैं, एक द टेल, वन रियल एंड द अदर पोटेंशियल। एक तो जो रियल टेल है, जो रियल कहानी है वो है, और एक दूसरी पोटेंशियल है उसके हिसाब से। द फर्स्ट रियल वन इज दैट, जो रियल वन है इज दैट अपेरेंटली वो जो कहानी है, डोटिंग फादर हैगबर्ट टर्न्स टू बी अ टायरेंट एंड फ्रॉड। जो फादर है हैगबर्ट, वो एक क्या होता है, बाद में टर्न हो जाता, पता लग जाता है कि एक फ्रॉड है ही, तो बहुत ही बड़ा क्रूअल था, ठीक है। हुज ईगली अवेटेड सन एक्चुअली वॉन्ट्स नथिंग टू डू विथ हिम, जो जिसका वो इंतज़ार कर रहा है अपने बच्चे का, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उसको बिल्कुल कतई पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। ही हैज़ बिल्ट अप सेल्फ कंक्लोज सिस्टम ऑफ बिलीफ अबाउट हिज सन एंड ही हैज़ प्रिपेयर्ड अ होम कमिंग विच इज़ अ मिथ दैट सस्टेन्स हैगबर्ट हिमसेल्फ, ठीक है। उसने एक मिथ बना रखा है, एक भय बना रखा है, भ्रम बना रखा है कि उसका बेटा जो है उसके ही होम कमिंग के बारे में सोचता है, एनक्लोज बना लिया उसने, एक सिस्टम, एक बिलीफ मान लिया है कि उसका बेटा उसके पास आएगा, जबकि उस बेटे को उससे कोई लेना देना नहीं है। द सेकेंड आयरनी इज़ दैट हैरी बोरोज मनी फ्रॉम हेल्पलेस एंड मूनस्ट्रक बेसी। दूसरी आयरनी क्या होती है, अब हैरी जो है पैसा किससे बोरो कर रहा है, एक ऐसी लड़की जो बहुत खुद ऑलरेडी हेल्पलेस है, ठीक है, जो खुद परेशानी में है बहुत ज़्यादा, बेसी नाम की, उससे। बट इफ़ हैगबर्ट स्टिक्स टू हिज वर्ड एंड डिस इनहेरिट्स हिज सन, शी विल बी द बेनिफैक्टर। लेकिन अगर देखो, अगर हैगबर्ट स्टिक करता है अपने शब्दों के ऊपर और डिस इनहेरिट हो जाता है, ठीक है ना, अपने बच्चे को इनहेरिट कर देता है अपनी प्रॉपर्टी से, तो शी विल बी द बेनिफैक्टर, वही है जो बेनिफैक्टर होगी इसके अंदर, जिसको बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं हम लोग साथ साथ में और देखते हैं कि क्या क्या इस कहानी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। कहानी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है भैया। चलिए स्टार्ट करूँगा मैं आपकी स्टोरीज़। सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक है हमारा, ये है शॉर्ट स्टोरी का। शॉर्ट स्टोरीज टुमारो बाय जोसेफ कॉनराड। चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट वॉज नोन ऑफ कैप्टन हैगबर्ट इन द लिटिल सी पोर्ट ऑफ कुलब्रुक वॉज नॉट एग्जैक्टली इन हिज फेवर। जो कैप्टन हैगबर्ट है, जो भी उनके बारे में पता था लोगों को वहाँ पर, कहाँ पर, छोटे से जो सी पोर्ट है कुलब्रुक, वहाँ पर वो क्या नहीं था, वो बराबर जानकारी नहीं थी। कोलब्रुक कुछ छोटे समुद्री जो बंदरगाह है वहाँ पर, जो कैप्टन हैगबर्ट के बारे में जो पता थी लोगों को बात, वो बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं थी, उनके फेवर में नहीं थी। ही डिड नॉट बिलोंग टू द प्लेस, वो उस प्लेस से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते हैं, ये उन लोगों की जगह नहीं थी, वो उसकी स्थान नहीं था, ठीक है। ही हैड कम टू सेटल देयर अंडर सर्कमस्टांसेस नॉट
not at all mysterious. He used to be very communicative about them at the time, but extremely morbid and unreasonable. ठीक है, अब क्या है कि जो आपके कैप्टन है ये हैगबर्ड, वो जो है वो जब वहाँ आकर उन बहुत फिक्स उस जगह के तो है नहीं, लेकिन वो उस परिस्थितिवश वहाँ रहने लगे हैं, किसी परिस्थिति के कारण उन्होंने वहाँ पर सेटल किया, अपने आप को वहाँ पर रहने लगे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वो व्यक्ति जो है उसके बारे में बहुत ही बिल्कुल रहस्यमय चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है। कभी तो कभी वो उस जगह के बारे में, काफ़ी जगहों के बारे में बहुत बातूनी नज़र आता है, बहुत ज़्यादा बातें करता हुआ नज़र आता है, ठीक है, अनप्लेजेंट और अरुचिकार दिखता है कभी कभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातें करता है और कभी कभी परत बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं उसको, अरुचिकार यानी मॉबिड टाइप का दिखता है, जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनहेल्दी मेंटल स्टेट दिखता है उसका, कि ये शायद क्या है मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड लगता है, कि ये पर्सन मे बी दिस पर्सन इज मेंटली लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्ब्ड। आगे बढ़ते हैं। ही यूज्ड टू बी वेरी कम्युनिकेटिव अबाउट देम एट द टाइम बट एक्सट्रीमली मॉर्बिड एंड अनरीजनेबल। He was possessed of some little money evidently. हाँ, अब उसके पास क्या था, उस व्यक्ति के पास कुछ थोड़ा बहुत पैसा था, ठीक है ना, जिससे उसने क्या किया वहाँ पर, कुछ पैसा था उसके पास, उससे उसने क्या किया वहाँ पर वो देखेंगे हम लोग, कि because he bought a plot of ground, वहाँ पर एक छोटा सा प्लॉट उसने ख़रीद लिया, and had a pair of ugly yellow brick cottages run up very cheaply. यानी बिना किसी आर्किटेक्ट के, बिना किसी से बुलाए, ऐसे ही उबड़ खाबड़ तरीके से ही क्या किया, ईंटों से दो जो है झोंपड़ियाँ, दो जो हट है छोटे छोटे वहाँ पर डेवलप करवा दिए, बनवा दिए, ठीक है ना, बनवा के वहाँ पर बस गया, मतलब कहने का मतलब उस एरिया के अंदर। एंड हैड अ पेयर ऑफ अगली येलो ब्रिक कॉटेजेस रन अप एवरी चीपली, ही ऑक्यूपाइड वन ऑफ देम हिमसेल्फ एंड लेट अदर टू अ जोसिया कैरवेल, ब्लाइंड कैरवेल, ठीक है ना, द रिटायर्ड बोट बिल्डर, अ मैन ऑफ एविल रेप्यूट एंड एज अ डोमेस्टिक टेरेंट, ठीक है। अब उसने क्या किया कि उसने वो जो झोंपड़ी बनवाई थी दो, उसमें से एक पे तो खुद ने पोजेशन कर लिया, एक पे तो खुद रहने लग गया, खुद अपने अपने आप को उसमें रखता है, दूसरी जो है वो किराए पे दे देते चाहे किसी को, जिसका नाम है जोसे कैरविल, जो ब्लाइंड है आँखों से और रिटायर्ड बोट बिल्डर है, एक बोट बिल्डर था पुराना, रिटायर्ड हो गया अब, और ये जो मैन है उसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी तरीके की उसकी रेपुटेशन है, और उसको बिल्कुल भी उसका वो हिंसक लगता है। और दूसरी चीज़ क्या है, यस एज अ डोमेस्टिक टैरेंट, टैरेंट क्या होता भैया, टैरेंट जो है बहुत ही बुरा व्यक्तित्व का इंसान, जो क्या करता है मारपीट करता है, क्रूअल हो, जो क्रूर कह सकते हो जैसे, ठीक है ना, तो डोमेस्टिक क्रूअल का मतलब हो गया जो घरेलू हिंसक होता है ना, उस चीज़ के बारे में इसने बात की, तो उसको उसने किराए पर दे रखी थी झोंपड़ी, ठीक है। दीज कॉटेजेस हैड वन वॉल इन कॉमन, दोनों कॉटेजेस जो है पास पास में बनी हुई थी, तो एक जो वॉल थी इनकी वो कॉमन थी दोनों के बीच में, ठीक है, शेयर्ड इन अ लाइन ऑफ आयरन रेलिंग डिवाइडिंग देयर फ्रंट गार्डन्स, एक आयरन रेलिंग लगाए रखी है बीच में, जिसकी वजह से उनका जो फ्रंट गार्डन है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है अलग अलग। अ वुडन फेंस सेपरेटेड देयर बैक गार्डन्स, और लकड़ी के फेंस से, लकड़ी के पट्टों से बाड़ टाइप बना के पीछे की साइड का जो गार्डन है उसको भी सेपरेट किया हुआ है। मिस बेसी कारविल वॉज अलाउड, मिस बेसी कारविल को अलाउ किया गया था कि एज इट वर ऑफ राइट, कि उसका हक है टू थ्रो ओवर इट द टी क्लोथ्स जो होते हैं वो ब्लू रैग्स हो गया, एप्रन हो गया, एंड देन वॉन्टेड ड्राइंग, वहाँ पर वो सुखा सकती थी जो भी वो चाहे वहाँ पर उस जगह पर। ऐसा मिस बेसी को क्या किया गया था, परमिशन दी गई थी, जैसे कि उसका राइट हो इस चीज़ का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा अब तक का, कि हैगबर्ट डैम का व्यक्ति है, अपने बच्चे को ढूंढने के लिए कोशिश करता है, फिर वो एक कोलचेस्टर से कोलब्रुक आ जाता है, वहाँ पर खुद ही क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत पैसा होने की वजह से एक झोंपड़े बनाता है दो, और वहीं रहने लगता है, जो एक में तो खुद रहता है, एक में बेसी को किराया देता है उसके फादर के साथ, जो ब्लाइंड है, जो एक आर्मी सॉरी इसके नेवी के बोट मेकर थे। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं और चीज़ें इसमें।
It rots the wood, Bessie, my girl, the captain would remark mildly from his side of the fence each time he saw her exercising that privilege. अब क्या है, परमिशन तो दी गई थी बेसी को वहाँ पर सुखाने की कपड़ों को, ठीक है ना, मगर ऐसा मानना उसका नहीं था, ऐसी उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, ठीक है ना। तो वो क्या करता था, वो कहता था ये लकड़ी ख़राब करता है, मतलब आप जो कपड़ा सुखाती हो ये लकड़ी ख़राब करता है मेरी प्यारी बेटी, ठीक है ना। बाढ़ के अपनी और कैप्टन धीरे से ये बात कहता है, अपने साइड में मतलब जो है फेंस के खड़ा हुआ है और धीरे से ये बात कहता है, ठीक है, अपनी तरफ से एक्सरसाइज, जब भी वो एक्सरसाइज कर रही होती है अपनी प्रिविलेज, अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर रही होती है इस चीज़ का, तब वो ये उसको कहता है, बताता है। शी वॉज अ टॉल गर्ल, द फेंस वॉज लो, वो एक काफ़ी लंबी लड़की थी और फेंस जो थी वो लो थी, एंड शी कुड स्प्रेड हर एल्बोज ऑन द टॉप, वो अपने एल्बोज जो है वो टॉप पर से रख सकती थी, बहुत ही स्प्रेड कर सकती थी तरीके से। हर हैंड्स वुड बी रेड विद अ बिट ऑफ वॉशिंग शी हैड डन, उसके हाथ जो है वो लाल पड़ गए हैं थोड़ी बहुत वॉशिंग करने की वजह से। बट हर फोर आर्म्स वर वाइट एंड शेपली एंड शी वुड लुक एट हर फादर्स लैंडलॉर्ड इन साइलेंस, इन एन इनफॉर्म्ड साइलेंस विच हैड एन एयर ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेशन एंड डिज़ायर। ठीक है, क्या होता है भाई, बैसी थोड़ी लंबी है, बैसी की हाइट अच्छी है, बैसी की हाइट आने की वजह से वो फैंस के ऊपर क्या कर सकती है, दोनों एल्बोज को फैला के बैठ सकती है, खड़ी रह सकती है, मतलब रख सकती है। फिर वो अपने जो लैंडलॉर्ड है फादर के, उसको देखती रहती है ध्यान से, सुनती है साइलेंस में बिल्कुल जो भी वो कह रहा होता है उसकी बातों को। ठीक है, और इन्फॉर्म द साइलेंस एंड हैड एन एयर ऑफ नॉलेज, ऐसा लगता है कि जैसे एयर ऑफ नॉलेज मिल रहा है उसको, कुछ कैप्टन एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर्स है वो बता रही है। इट रॉट्स द वुड रिपीटेड कैप्टन हैगबर्ड, कैप्टन हैगबर्ड क्या करता है, फिर से कहता है कि इट रॉट्स द वुड, फिर से एक बार कहता है वो उसको, इट इज़ ओनली अनथ्रिफ्टी केयरलेस हैबिट आई नो इन यू, वो कहता है कि सिर्फ तुम में सिर्फ फिजूल और अनावश्यक लापरवाही वाली ये एक ही आदत है जिसे मैं जानता हूँ, ठीक है ना। वो कहता है उसको, वाई डोंट यू हैव अ क्लोथ्स लाइन आउट इन योर बैकयार्ड, जो बैकयार्ड का हिस्सा है, जो पीछे का हिस्सा है, वहाँ पर तुम क्या कर सकती हो, एक डोरी, रस्सी, टनी बोलते हैं ना जिससे हम लोग, वो बांध सकती हो, जहाँ पर वो बांध के तुम अपने कपड़ों को अच्छी तरीके से सुखा सकती हो, यू कैन जस्ट ड्राई योर क्लोथ्स इन दैट पोर्शन। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। मिस कार्विल वुड से नथिंग टू दिस, शी ओनली शुक हर हेड नेगेटिवली, मिस कार्विल इस बात के लिए कभी कुछ नहीं कहती है और वो अपने सर को क्या करती है, नकारात्मक यानी नेगेटिव में हिला देती है। उस द टाइनी बैकयार्ड ऑन हर साइड हैड अ फ्यू स्टोन बॉर्डर्ड लिटिल बेड्स ऑफ ब्लैक अर्थ इन विच द सिंपल फ्लावर्स शी फाउंड टाइम टू कल्टिवेट अपीयर्ड समहाउ एक्स्ट्रावेगेंटली ओवरग्रोन एज इफ बिलोंगिंग टू एन एग्जॉटिक क्लाइम। ठीक है, अब क्या होता है, जो छोटा सा पीछे का गार्डन उसको मिला हुआ है काली मिट्टी से, उसमें जो ब्लैक कलर की सॉल्ट सॉइल भी है, ब्लैक अर्थ है उसका, ठीक है ना, वहाँ पर उसने छोटी छोटी क्या बना रखी है, चीज़ें बना रखी है किनारों के ऊपर पत्थरों से लाइन से, जहाँ पर वो साधारण तो नॉर्मल जो पौधे जो फूल जो होते हैं उनको वहाँ ग्रो करती है, उनको वहाँ ग्रो करती है पत्थरों और लाइन्स की बनाकर छोटे छोटे पौधों को, जिसमें ऐसा लगता है कि जो पौधे हैं वो मानो कोई विदेशी उसके ब्रीड के हैं कोई, ठीक है ना, और जो यहाँ के जो जलवायु है, परिवर्तन जो होता रहता है, जो अपना क्लाइमेट है उसके बिल्कुल फेवर में नहीं है, उगाए हुए नहीं है। एंड द कैप्टन हैगबर्ड्स अपराइट हेल पर्सन क्लैड नंबर वन सेल क्लोथ फ्रॉम हेड टू फुट, और जो कैप्टन हैगबर्ड है वो क्या करता है भैया, कैप्टन हैगबर्ड बहुत ही एक सरल व स्वस्थ किस्म का आदमी है, जिसके सिर से पैर तक जो है वो जहाज के कप्तान के शानदार वेश में, अपने बड़े फैंस में और घुटनों तक लंबी लंबी घास की तरह निकाल कर रखता है जो उसके घर के आसपास उगी हुई है, बहुत सारी बहुत सारी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ थे भैया इसमें? मिसेस कार्विल वुड से नथिंग टू दिस। मिसेस कार्विल इस चीज़ को कुछ नहीं कहती थी। शी ओनली शुक हर नेगेटिवली हेड, अपने सर को हिला देती थी। टाइनी बैकयार्ड ऑन हर साइड, उसका जो साइड का टाइनी बैकयार्ड था वो तो बता चुके हैं हम, ब्लैक अर्थ से रिलेटेड बात कर चुके हैं इसके बाद। फिर एंड कैप्टन हैगबर्ट्स अपराइट हेल पर्सन, कैप्टन हैगबर्ट जो है एक अपराइट हेल पर्सन, ठीक है ना, काफ़ी प्रसन्नता वाले व्यक्तित्व के इंसान, बड़े ही मटेरियल वाले ऐसे कपड़े रंगदार जो है वो पहनते हैं वो, ठीक है ना। पर्सन क्लैड इन नंबर वन सेल क्लोथ फ्रॉम हेड टू फुट, जो क्या करते हैं, जो क्लैड, क्लैड यानी लिपटे होना, ठीक है ना। वे सरल स्वस्थ आदमी जो है वो क्या करते हैं, सिर से पैर तक क्या करते हैं, अपने आप को जहाज़ के जो कप्तान के जो ड्रेस होती है, शानदार जो वेश होती है ना, उसमें अपने आप को ढाई रखते हैं हमेशा, और अपनी बड़ी सी जो फेंस है उसमें घूमते रहते हैं, और घुटनों के बल तक उनके पास क्या है, लंबी लंबी घास उगी हुई होती है अपने उस गार्डन के अंदर, जो उनका बैकयार्ड का गार्डन है, जो उससे क्या कहते हैं बेसिस से अगर कंपेयर किया जाए तो। He appeared with color and uncounted stiffness of extraordinary material which he chose to clothe himself. ये बड़े ही कलर और अनकाइंड अलग तरीके के मटीरियल से बने हुए कपड़ों को पहनता है अपने आप को ढकने के लिए। For stiffness of the extraordinary material in which he chose to clothe himself. For time being, उस समय के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वैसा वो समय मानता है कि ये सही कारण है, ठीक है। Would be his mumbled remark to any observation ऑन द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पर उसका जो ऑब्जर्वेशन है वो है, लाइक अ मैन रफंड आउट ऑफ ग्रेनाइट, ऐसा लगता है कि एक ऐसा आदमी जो ग्रेनाइट यानी खैणों से काम करके, जो छोटी टूटी फूटी भांति जो नहीं होती ग्रेनाइट की पट्टियाँ वगैरह, इनकी इनके यहाँ से काम करके और रफंड एकदम रफ हो गया है। स्टैंडिंग ऑन द वाइल्डरनेस नॉट बिग एनफ फॉर अ डिसेंट बिलियर्ड रूम, और वाइल्डरनेस में खड़ा हुआ है, क्या है, वाइल्डरनेस के अंदर उजड़े हुए स्थान के अंदर खड़ा हुआ है जहाँ पर बिलियर्ड रूम नहीं, क्या नहीं है, बिलियर्ड रूम। अ हैवी फिगर ऑफ मैन ऑफ स्टोन विथ अ रेड हैंडसम फेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्ट्रॉन्ग फिगर बॉडी है और रेड हैंडसम फेस है, अ ब्लू वेंडरिंग आई, एक आई ऐसी जो ब्लू है, वेंडर कर रही है, इधर से उधर घूम रही हैं आँखें उसकी, एंड ग्रेट वाइट बियर्ड फ्लोइंग टू हिज वेस्ट एंड नेवर ट्रिम्ड एज फार एज कुलब्रुक न्यू, और वो जानते हैं कि जब से कुलब्रुक वो आए हैं तब तक उन्होंने आज तक क्या किया है, अपनी उस लटकती हुई दाढ़ी जो पेट तक पहुँचे हुए उनसे, ठीक है ना, कभी उसको तरीके से संवारा या सही नहीं किया है। तो आज के लिए इतना बहुत है, और आप लोग कोशिश करें कि यहाँ तक पूरा पढ़ें एक बार, समझें इसको अच्छे से, और कोई एक्सपेक्टेशंस कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं कल सेम समय पर इसी समय, आप लोग वीडियो के लिए रेडी रहना। Thank you, have a nice day and stay home, stay safe for your better way. Okay, take care, have a good day.